दुख नो मे दुखम। नो मे दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। के इस धारावाहिक अंक में आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, आप में से बहुत से दर्शक ये सोचते होंगे कि हम अपने हर अंक में पिछले अंक का कुछ ना कुछ रिपीट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दर्शक जो हमसे शुरुआती दौर में नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हमें अपने साथ लेना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके मन में है का मंत्री बनो और चुनाव में विजयी हो गया और मंत्री नहीं बना और दुखी बन गए कि चुनाव भी लड़ा जीता भी और पद नहीं मिला। मंत्री बनने की बड़ी आकांक्षा रहती है, बहुत आकांक्षा है, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। एक बार की घटना है, परिवार नियोजन के व्यक्ति एक सेठ जी के घर पर पहुंचे और पूछा, सेठ जी आपके संतान का 5 लड़के, तब तो आपको परिवार नियोजन करा देना चाहिए, 5 है तो वो 2 तो भी हो, तो 5 तो बहुत है। बोला, अभी तुम्हारा सुझाव तो ठीक है पर मेरी एक कठिनाई है। आपकी क्या कठिनाई है? ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तुम्हारा 9वां बेटा मंत्री बनेगा, आपके ये मैं कैसे करा सकता हूँ परिवार का नियोजन। आपने देखा कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में निरंतर चल रही प्रेक्षा ध्यान पद्धति पर भारत सरकार के अनुदान से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग के तात्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर एस सी मनचंदा तथा उनके सहयोगी अन्य चिकित्सा विज्ञानियों ने मिलकर प्रेक्षा ध्यान पद्धति पर हृदय रोग निवारण के प्रयोग किए थे। मैं कोई सस्ता मेथड देख रहा था हार्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम पता है आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। बहुत महंगा इलाज था एंजियोप्लास्टी बाईपास करने, और उसके बाद बीमारी दोबारा हो जाती थी। तो तब हमने देखना शुरू किया कि इसका कोई और भी इलाज है कि नहीं, तो लिटरेचर को पढ़ा गया हमने, तो उसमें देखा कि योग के द्वारा कुछ लोगों ने अमेरिका में शुरू किया है। तो हमने कहा योग तो अपने ही देश में शुरू हुआ है तो इससे क्यों नहीं किया जाए। उन दिनों में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, डीन ऑर्निश का एक असिस्टेंट था अमेरिका से आया हुआ था, तो उसके सिलसिले में मैं आध्यात्मिक साधना केंद्र गया, तब स्वामी धर्मानंद से मुलाकात हुई, और जैसे ही हम मिले हमें ये लगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर इनके जो 13 पंथी के गुरुजी थे आचार्य तुलसी ने कहा, बहुत साइंटिफिक थे क्योंकि मैंने बहुत सेंटर्स देखे, हम चाहते थे कोई ऐसा आसान तरीका ताकि हमारे मरीज़ जो 70-80 साल के हैं वो पहले दिन से योग करने लग जाएं। तो इनका सिस्टम हमें बहुत सिंपल लगा, पहले दिन से ही मरीज़ कर सकते थे और बहुत साइंटिफिक थे। इनके आचार्य तुलसी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर हमें लगता है हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं लेकिन आप हमें सच्चाई बताओगे रिसर्च करके। तो जैसे इतनी एनकरेजमेंट मिली स्वामी धर्मानंद जी से, उनके गुरु जी से, तो हमने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लिखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट लिखा हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का साधना केंद्र का, क्योंकि प्रोजेक्ट लिखने के लिए उसके लिए सेंक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये गवर्नमेंट जो आयुष के हैं उनको हमने अप्लाई किया, उन्होंने एकदम सेंक्शन कर दिया इसके लिए, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एथिकल क्लियरेंस वगैरह चाहिए थी। तो हमने कहा कि हम दिखाएंगे कि ऐसे लोग जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है क्या उनको प्रेक्षा ध्यान से फ़ायदा होता है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर आम मानते नहीं हैं कि कोई और भी इलाज है बाईपास या एंजियोप्लास्टी के द्वारा। तो हमें पेशेंट्स लेने में बहुत तकलीफ हुई लेकिन पेशेंट्स ने बहुत कोऑपरेशन किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम जानते हैं कि ये बाईपास एंजियोप्लास्टी ठीक इलाज नहीं है क्योंकि दोबारा हो जाता है, हमें कोई पक्का इलाज बताइए। तो हमने भी ये कहा क्योंकि योग प्रेक्षा ध्यान बहुत लॉजिकल स्टेप लगा, क्योंकि चाहे हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करते हैं कारण तो नहीं दूर होता, इस बीमारी के 4 कारण होते हैं। सबसे बड़ा है कि खान पान ठीक नहीं है, शारीरिक व्यायाम नहीं है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से होता है, और चौथा नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना। तो हमने देखा कि योग के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा 4 चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सात्विक भोजन करना है, वही हम चाहते थे, दूसरा शारीरिक व्यायाम करना है, तीसरा मानसिक तनाव जो और किसी तरीके से ठीक नहीं होता इससे ठीक हो जाता था, और चौथा
नशीली वस्तुओं से भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हमने कहा ये आइडियल मेथड है, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 1994-95 में जब सेंक्शन हुआ। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करते थे, पहले मरीजों की हम एंजियोग्राफी करते थे, मैं खुद ही करता था, या हमारे एसोसिएट्स करते थे। एंजियोग्राफी करके हम देखते थे उनकी आर्टरीज में कितनी बीमारी है, उनकी कंसेंट लेते थे कि हम इस ऑल्टरनेटिव में आपको डालना चाहते हैं। उनके सारे टेस्ट भी होते थे, कोलेस्ट्रॉल भी होता था, ट्रेडमिल टेस्ट, थैलियम टेस्ट भी होते थे। जब उनकी कंसेंट होती थी फिर हमको ग्रुप्स में लाना शुरू किया आध्यात्मिक साधना के। अब जो परिणाम सामने आए उससे चिकित्सा जगत में काफी चर्चा शुरू हो गई। डॉक्टर मनचंदा मेरे पास आए कि मैं आपके साथ में जिनके ऑलरेडी हृदय रोग हो चुका है, जिनकी धमनियों में अवरोध आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है, उनको लेकर के मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी वेलकम, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना करके सेंट्रल काउंसिल ऑफ योगा से कुछ अमाउंट अप्रूव करवाया और वो प्रोजेक्ट उन्होंने ली। वो एक पायलट प्रोजेक्ट ही थी, उसमें 42 आदमी लिए गए, 21 आदमियों को मेरे पास भेजा गया और 21 आदमियों को उन्होंने अलग से ट्रेनिंग दिया, जो जैसे कहते हैं भैया कसरत करना, खाना ठीक से रखना, घूमना फिरना, ये सब उनको बताया गया और हमने उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। तो ये जो फिर साल भर बाद में इसकी भी रिपोर्ट बनी, तो इस रिपोर्ट में आया कि हमारे जो 21 आदमी आए थे उसमें से एक आदमी की बाईपास सर्जरी हुई और उनमें 8 आदमी की बाईपास सर्जरी हुई 21 में से, और हमारे वालों की सबकी दवाइयाँ कम हुई और सब स्वस्थ प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, उनमें ऐसा कोई देखने में नहीं आया। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी जहाँ पर आध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा था, जहाँ पर चेतना, बुद्धि और मन के द्वारा शारीरिक रोगों और कष्टों से निवारण के प्रयोग किए जा रहे थे। हालांकि अभी भी पश्चिमी देशों ने इसे शारीरिक तत्व का ही प्रयोग माना हुआ था। इस तरह की कोई भी स्टडी जब सामने आती है तो आमतौर पर फिर भी टेंडेंसी यही होती है कि ये जो रिजल्ट है इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने डाइट चेंज करी है, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटी दी है योगासन प्राणायाम में, और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया है। लेकिन मानसिक तनाव कम होने के कारण ये बीमारी ठीक हुई होगी उसको हम उतना महत्व नहीं देते, फिजिकल फैक्टर्स पर ज़्यादा जोर देते हैं और हम सोचते हैं उसी कारण से शायद ये बीमारी ठीक हुई होगी। लेकिन वास्तव में मानसिक तनाव का बीमारी के होने में और उसके ठीक होने में दोनों में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, मानसिक तनाव का बीमारी होने में और मानसिक शांति का बीमारी के ठीक होने में। लेकिन डॉक्टर मनचंदा और उनके सहयोगी चिकित्सा विज्ञानियों को जो परिणाम मिले वे अत्यंत ही अभूतपूर्व थे। यानी अब ये सिद्ध हो ही चुका था कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति और साधारण शारीरिक क्रियाओं के द्वारा असाध्य सा लगने वाला हृदय रोग अब इसका निवारण संभव था, ये असाध्य नहीं था। डायरेक्ट एविडेंस उन्होंने ये दिया कि यदि मरीज को आप इस तरह से एक साल तक भी रखते हैं तो उसकी जो कॉरोनरी आर्टरीज थी जिससे ब्लड सप्लाई मिलती है हार्ट को, वो उनमें रास्ता बहुत छोटा हो गया था, तो वो और छोटा होने की बजाय थोड़ा सा बढ़ गया एक साल के अंदर ही, और 5 साल में और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उन्होंने पेट स्टडीज़ की जिसमें दिखाया कि न केवल इनका जो था डायमीटर थोड़ा सा बढ़ गया, अंदर जो रुकावट थी वो थोड़ी कम हो गई, ब्लड फ्लो जो था वो हार्ट के अंदर ज़्यादा होने लगा। तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस था कि इन सब चीज़ों से वास्तव में बीमारी जो है वो उलट सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि अभी तक जो पैथोलॉजी में हमारी थिंकिंग थी वो ये थी कि खांसी ज़ुकाम हो या डायरिया हो तो वो तो अपने आप से ठीक हो सकते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ इस तरह के जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो या तो वैसे के वैसे रहते हैं लेकिन आमतौर पर ज़्यादा बिगड़ते ही जाते हैं, वो उलट नहीं सकते, ठीक नहीं हो सकते। तो चलिए फ़ोन उठाइए और आध्यात्म साधना केंद्र से संपर्क कीजिए, अपने कष्टों के निवारण और उनके उन्मूलन के लिए पहला कदम उठाइए। प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी के साथ महाप्रज्ञ जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। उनके अनुसार एक मुसाफिर को रात की यात्रा में मीलों तय करना था और उसके पास एक छोटी सी टॉर्च थी। वो डर रहा था कि सफर तो मीलों का है
और महज ये टॉर्च की रोशनी 3 या 4 फुट तक ही मुझे रोशनी दिखा सकती है। वो इस भयावह स्थिति से डर गया और अपने घर जाकर सो गया। उसके मन ने इस तर्क को नहीं जाना या नहीं सोचा कि प्रकाश भी तो उसकी इस यात्रा में उसके आगे आगे चलेगा। तो चलिए प्रेक्षा ध्यान की ओर आप भी अपना पहला कदम बढ़ाइए। आप स्वयं पाएंगे कि प्रकाश आपके रोगों के निदान के लिए स्वयं ही आगे आगे जा रहा है। ओम अरहम। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम्। नो में दुखम, नो में